हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवन सीबी मैकेनिज्म। ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से ईवन सीबी मैकेनिज्म क्या होता है, इसके जो हम यहाँ पे बेसिस कौन से लेते हैं। ठीक है, ये सारा हम बताएंगे। सब्सट्रेट यहाँ पे कौन सा यूज किया जाता है, प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे कौन से बनते हैं, वो सारा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, विद मैकेनिज्म हम करेंगे और बहुत सारे आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, इससे पहले मैंने दो वीडियो दी है ई1 और ई2 पे। जिन स्टूडेंट्स ने वो दो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको अच्छे से ई1 और ई2 अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आज हम ई1 सीबी मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो, सबसे पहले हमें ईवन सीबी का जो फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, देखो ई से क्या है, हमारा एलिमिनेशन ही चल रहा है, तो ई से क्या हो गया, एलिमिनेशन। और वन से क्या मतलब है, यूनिमोलिकुलर। सी से है हमारा कॉन्जुगेट और बी से है हमारे पास बेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर, यूनि मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अभी देखो, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि इसको कॉन्जुगेट बेस हम क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे थोड़ा सा जब करते जाएंगे। अभी देखो, जो स्टूडेंट सीधा ही ईवन सीबी मैकेनिज्म देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ईवन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए, और ई2 भी एक्सप्लेन मैं आपको आपके लिए कर देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, और इन तीनों में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई2 की। यहाँ पर हम बात करेंगे ई2 की, इधर हम लगा लेते हैं ई1 की। ठीक है, ईवन ये मैंने वीडियो दे दी है आपको, तो वो देख लेना। और इधर हम जो आज करने वाले हैं ईवन सीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइंस लगा ली हैं, तो तीनों को देखेंगे। देखो, जो ई2 है इसमें जो हमारे पास सब्सट्रेट लिया जाता है वो अल्काइल हैलाइड्स ही लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH, यहाँ पे कोई भी आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, और ये CH3, ये चीज होती थी ई2 में। और यहाँ पे हम लेते थे आपके पास स्ट्रोंग बेस। ठीक है, स्ट्रोंग बेस लेते थे। देखो, ई2 में क्या था हमारे पास, वन स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, ई2 क्या है हमारे पास, वन स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें होता क्या था, देखो ये जहाँ पे भी लिविंग ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और साथ वाली जो कार्बन है बिट्टा कार्बन, और ये भी हमारी क्या है, बिट्टा कार्बन। ठीक है, और इस बिट्टा कार्बन से हमारे पास क्या निकलते थे, बिट्टा हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे पास यहाँ से भी हम हाइड्रोजन निकाल सकते थे और यहाँ से भी हम हाइड्रोजन निकाल सकते थे। और यहाँ पे एल्कीन या तो यहाँ पे बन जाती या फिर एल्कीन यहाँ पे हमारे यहाँ पे बन जाती। लेकिन तो दोनों में हम देख लेते कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सा अच्छे से, जो मोर अल्काइलेटेड होगा वो हमारे पास 100% जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, अब देखो जो हाइड्रोजन है, सपोज ये वाला हाइड्रोजन मैं निकाल रही हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो, जो ई2 मैकेनिज्म में है, जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है और जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या निकलते हैं, साथ साथ निकलते हैं। ये भी हाइड्रोजन भी और ये लिविंग ग्रुप भी क्या निकलते हैं हमारे पास, साथ साथ निकलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वन स्टेप मैकेनिज्म है। पहली बात, पहला स्टेप एक स्टेप मैकेनिज्म है। दूसरी बात क्या है, हमारे पास यहाँ पे निकलने वाला जो हाइड्रोजन है और ये लिविंग ग्रुप है, ये दोनों साथ साथ निकलते हैं। ठीक है, तो ये किसमें क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनती है। ये किसके केस में था, हमारे पास ई2 के केस में। ठीक है, जो हमारे पास ई1 के केस में था उसमें क्या है, यही चीज हम लेते हैं CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास CH3 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ई1 में क्या था, हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म है। ये क्या है हमारे पास, टू स्टेप
टू स्टेप मैकेनिज्म है, यानी हमारे पास सबसे पहले क्या होता था, जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है ये सबसे पहले बाहर निकलता था, ठीक है। इसमें ये जो लिविंग ग्रुप है ये सबसे पहले यहाँ पे बाहर निकलेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट होता, कार्बोकेटाइन। क्या बनता, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप पहले निकलता है। जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है हमारे पास CH3, ये हाइड्रोजन इस तरीके से, उसके बाद CH इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3। यानी यहाँ पे पहले क्या होता है हमारे पास लिविंग ग्रुप बाहर निकलता, कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती, उसके बाद हमारे पास कोई बेस आता, वीक बेस आता E1 के केस में, वो बेस इस हाइड्रोजन को लेके जाता। जब इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, यानी हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती, ठीक है। यानी एलिमिनेशन में बेसिकली हमारे पास बनता तो एल्कीन ही है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास वन स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप साथ साथ निकलते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है टू स्टेप मैकेनिज्म है। पहले हमारे पास क्या होता है यहाँ पे लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ये चीज इतनी बात क्लियर है। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो वीडियो जाके देख लेना, मैंने अच्छे से आपको करवा रखा है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं E1 CB मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। देखो जो E1 CB मैकेनिज्म है वो E1 का बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब ऐसे है कि जो E1 है, E1 इसमें है, ये क्या है आपका सेम का मतलब क्या है कि ये भी टू स्टेप मैकेनिज्म है और ये भी आपका टू स्टेप मैकेनिज्म है, बस इतना ही सेम है, बाकी ये वाला प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसमें देखो इसमें क्या है टू स्टेप है, इसमें टू स्टेप है, इसमें वन स्टेप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता था वो कौन सा बनता, कार्बोकेटाइन, किसके केस में, E1 के केस में। लेकिन E1 CB के केस में हमारे पास जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है वो कौन सा बनता है, कार्बेनाइन। कौन सा बनेगा, कार्बेनाइन, ठीक है। कैसे, CH3 CH और यहाँ पे CH, यहाँ पे आपके पास लिविंग ग्रुप और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। देखो इसमें क्या होता, हमारे पास लिविंग ग्रुप निकलता, लिविंग ग्रुप हमने इलेक्ट्रॉन देके जाता तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता। लेकिन इसमें कार्बेनाइन कैसे बनेगा, कार्बेनाइन कैसे बनेगा, जब हमारे पास ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा, चाहे हमारे पास देखो ये लिविंग ग्रुप है तो ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, चाहे हमारे पास जो निकलने वाली हाइड्रोजन या निकलने वाला जो प्रोटॉन होगा, या तो वह यहाँ से निकले या वो यहाँ से निकले, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपका लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलता, यहाँ पे आपका सबसे पहले ये प्रोटॉन बाहर निकलता है, ठीक है। कौन सा निकलेगा, आपका ये जो प्रोटॉन्स लगे हुए हैं बीटा कार्बन के ऊपर वो बाहर निकलते हैं। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो विदाउट बॉन्ड जाते हैं, मैंने बहुत बार बोला है आपको विदाउट बॉन्ड जाएंगे तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको इसलिए हम क्या बोलते थे, बोल देते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बेनाइन की जनरेशन होती है, उसके बाद हमारे पास ये जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है, ठीक है। अभी देखो जो ये वाला केस है, जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप यहाँ पे बाहर निकला है, ठीक है, इस वाले केस में ये गुड लिविंग ग्रुप है, और दूसरी बात इसमें हम क्या लेते हैं, हमारे पास वीक बेस लिया जाता है, ठीक है, वीक बेस लिया जाता है और ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। वीक देखो बेस का क्या मतलब होता है, बेस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। जब हमने बेस को ही वीक कर दिया तो वो क्या, बेस यहाँ पे हमने वीक ले लिया और लिविंग ग्रुप हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले, गुड लिविंग ग्रुप ले लिया, तो लिविंग गुड लिया है, लिविंग ग्रुप हमने गुड लिया है, तो वो क्या करेगा, पहले गुड लिविंग ग्रुप निकलेगा, यानी पहले यहाँ से ये निकलेगा, कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी, उसके बाद हमारे पास बैड जो बेस हमने लिया है, ठीक है, वीक बेस लिया है, वो हाइड्रोजन को लेके जाएगा और एल्कीन बना के जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या है, हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है। इसके केस में क्या होता है, ध्यान से देख लेना कि हम इसके केस में लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो हमारे पास ये लिविंग ग्रुप्स होते हैं ये क्या होंगे, हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। देखो बिल्कुल उल्टी कंडीशन, मैंने बोला था ना बिल्कुल उल्टा होता है इससे, इसमें अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो हम बेस ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और जो लिविंग ग्रुप है वो बैड ले रहे हैं। अब बैड लिविंग ग्रुप लिया है हमने तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप फटाफट से नहीं निकलेगा, लेकिन हमने बेस है वो स्ट्रॉन्ग ले लिया तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा और यहाँ पे हमारे के पास क्या बना देगा, कार्बेनाइन। अब कार्बेनाइन यहाँ पे हमारे पास बन चुका है, उसके बाद हमारे पास क्या निकलेगा, ये बॉन्ड था वो यहाँ पे सेकेंड स्टेप
स्टेप में वो ये जो बोन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलता है। इतनी बात क्लियर है? ये हमने बता दिया आपको। इवन सीबी का थोड़ा जो बताना था मेरे को, जो कॉन्सेप्ट था इसका, यही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें हम ले क्या सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, हमारे क्या कुछ हो सकते हैं, जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो हमारे क्या कुछ हो सकते हैं, और जो हमारे बेसिकली जो मेन पॉइंट है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से बनेंगे, कि हमारे पास जो निकलने वाला हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन से निकलेगा या फिर इस कार्बन से निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है वो किधर होगी, और जिस साइड हमारे पास स्टेबिलिटी होगी उसी साइड हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। समझ में आ गया? अभी आप ये करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पे भी अपने नोट्स बना रहे हैं वहां लिख लीजिए, क्योंकि आप जब साथ में लिखेंगे आप कंपैरिजन करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से याद भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए। देखो इवन सीबी मैकेनिज्म जो था, हमने उसका कॉन्सेप्ट तो आपको करवा दिया है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया है। लेकिन अभी हमने ये देखना है, जो हम यहाँ पे बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो कौन से होंगे हमारे पास, लिविंग ग्रुप्स हमारे पास कौन से होंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो कौन से होते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का क्या मतलब है, ठीक है। तो हम लेते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे इवन सीबी को ही। तो यहाँ पे हम लेंगे CH3 एग्जाम्पल्स के साथ, CH2, ठीक है, CH, यहाँ पे हमारे पास हो गया, सॉरी, ये लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये CH3, ये चीज होती है, और यहाँ पे हमारे पास होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो ये लिविंग ग्रुप होता है आपके पास, ये क्या होगा यहाँ पे, बैड लिविंग ग्रुप, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे आपके पास, बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंडीशंस याद रखा करो कि E1 की क्या कंडीशन है, E2 की क्या कंडीशन मैंने आपको बताई है, और E1CB की क्या कंडीशन बताई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आते हैं, जब भी हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें आपको कंडीशंस देखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी फ्लोरीन लगा है, OH लगा है, OR लगा है, तो वो क्या है, आपके बैड लिविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप्स हो और अगर यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आपका कंडीशन क्या हो जाती है वहाँ पे, E1CB। तो आपको क्या करना है, देखो तीन ही यहाँ पे क्या है आपके पास, एक तो E1 है, E2 है, E1CB है, एक आपका रह गया है EI, ठीक है, वो आपका रह गया, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इन सबकी आपको क्या है, जो आपकी कंडीशन होती है वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ, वरना क्या हो जाता है, आपके नेगेटिव होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये E2 में भी क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है, लेकिन लिविंग ग्रुप का यहाँ पे फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप्स लेते हैं, यहाँ पे बैड लिविंग ग्रुप आपका क्या हो सकते हैं, तो क्या होंगे आपके पास, एफ नेगेटिव हो सकता है, OH नेगेटिव आपके पास हो सकता है, OR नेगेटिव आपके पास हो सकता है, और आपके पास NH2 नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो लिविंग ग्रुप्स हैं, बैड लिविंग ग्रुप्स, ये हो सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास बेस है, बेस आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास कौन से हो सकते हैं, तो आप खुद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि स्ट्रॉन्ग बेस, और जो मैं तो बता दूंगी आपको, लेकिन आप भी बताना कि और क्या क्या हो सकते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कौन से हो सकते हैं, आपका LDA, ठीक है, LDA हो सकता है, उसके बाद NaNH2 हो सकता है, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, आपका ब्यूटाइल लिथियम, और आपका आपके पास और नेगेटिव ब्यूटाइल एसेट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये मैंने लिखा है एसेक्ट्रा, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सेक्ट्रा वाले आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और क्या क्या यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले बेसिस होते हैं और ये हमारे पास होते हैं बैड लिविंग ग्रुप्स, क्लियर है इतनी बात, ओके। यहाँ पे देखो ये जो लिविंग ग्रुप है, ये मैंने बताया है अल्फा कार्बन है, ये आपकी बीटा कार्बन है, और ये क्या है आपकी बीटा कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास कहीं से भी निकल सकता है, यहाँ से निकलेगा, या फिर जो बेस है हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ से भी लेके जा सकता है, वो यहाँ से भी लेके जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज इसको मैं ले लेती हूँ 1 और इसको मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले वाली कंडीशन है जो, ठीक है, यहाँ करते हैं, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, तो
यहाँ पे आपके क्या हो सकता है, पहली वाली कंडीशन यहाँ से कि यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है, जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो सी एच नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे आपके पास लिविंग ग्रुप और यहाँ पे सी एच थ्री। एक तो ये वाले कंडीशन बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो यहाँ से निकल जाए, ठीक है, यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी बन सकती है ये वाली, CH3, CH2, ठीक है, CH यहाँ पे लिविंग ग्रुप और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ठीक है, एक तो ये बन सकता है और ये एक भी बन सकता है। देखो अब जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से मेजर कौन सा बनेगा, वो माइनर कौन सा बनेगा, उस पर आपको कैसे देखना है, वो देखोगे आप जो आपकी कार्बन एनायन यहाँ पे बना है, यहाँ ये जो कार्बन आयन आपके यहाँ पे बना है उसके स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे पास कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होगी, वो देखो यहाँ पे देखो जो हमारे पास कार्बन आयन जनरेट हुआ है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, इस कार्बन के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सी एच थ्री ग्रुप बैठा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका इसको प्लस आई दे रहा है, प्लस आई का मतलब इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इस सी एच को, पहले ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही बहुत ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव है, ये और ज़्यादा दे रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, वो डीस्टेबलाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, डीस्टेबलाइज। अब देखो डीस्टेबलाइज होने के कारण जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जो यहाँ पे कार्बन आयन बना है, वो स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। अभी अगर इसकी बात देखें, अब ये जो कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट हुआ है, वो क्या हुआ है मेरे पास, टू डिग्री कार्बन आयन यहाँ पे बना है मेरे पास, ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें, ये जो कार्बन आयन है वो क्या बना है मेरे पास, 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो जहाँ पे मेरे पास जो सी एच टू जो भी है हमारे पास, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसको इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करने के लिए ऐसा कोई भी मिथाइल ग्रुप, यानी ऐसा कोई भी ग्रुप इसके साथ अटैच्ड नहीं है, यानी अगर हम कंपेयर करें इसको या फिर इसको, इन दोनों में से जो कार्बन आयन है वो ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है, इस वाली जगह पे, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करने के लिए कोई भी इसके साथ ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा है जैसे इसके पास लगा है, ठीक है, यानी हमारे पास जो 1 डिग्री जो कार्बन आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम जो स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे बात हो चुकी है हमारे पास स्टेबिलिटी की, किसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की, ठीक है, कार्बन एनायन की, वो क्या होगी हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री की एग्जाम्पल है, यानी हमारे पास जो बेस होगा वो यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, अगर ये यहां से मतलब यहां से निकालेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कार्बन आयन स्टेबल होता है, वो कार्बन आयन यहाँ पे स्टेबल है, उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक तो ये बन सकता है, ठीक है, वो वैसे तो हमारे पास जो होगा ये 80% हमारे पास यही बनेगा, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये आएगा, ये इधर आएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड, हाँ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है, एक ये वाला बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 20%। अब देखो जो है हमारे पास ये बना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल था, तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास कौन से बनते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, किसमें, ईवन सीबी में बनेंगे, लेकिन जो मैंने आपको ई2 और ईवन करवाया था उसमें हमारे पास सैटजफ प्रोडक्ट्स बनते थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, लेकिन ये हमारा कौन सा बन रहा है, सैटजफ प्रोडक्ट, ये सैटजफ है, लेकिन इसमें जो हमारे पास कार्बन आयन था वो स्टेबल नहीं था, दैट्स वाई ये वाला हमारे पास स्टेबल नहीं होगा प्रोडक्ट, ये हमारे पास स्टेबल है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने देखा है, और ये प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन से बनेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट्स, यानी इवन सीबी में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से बनते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट्स, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, और मुझे आपको बताना है इसका ऑर्डर क्या है, रेट क्या है और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, वो सारी हम बातें यहाँ पे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
देखिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों बोलते हैं, ठीक है। इवन सीबी में हम कॉन्जुगेट क्यों बेस क्यों बोला जाता है इसको, तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं, वही सेम जो हम लेते आ रहे हैं इसमें, CH लिविंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे CH3, तो ये वाली एग्जाम्पल हमारी चल रही थी, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये हमारे पास बीटा है, ठीक है। अब बीटा में से सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था हमारे पास कि यहाँ पे हम लेते थे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे हमारे पास लिया जाता था। तो बेस क्या करता है यहाँ पे, बेस क्या करेगा यहाँ पे आके, ये जो हाइड्रोजन है इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी इसके पास जो ये इस प्रोटोन के कारण ये क्या था, एसिड था। इस प्रोटॉन के कारण ये क्या था, एसिड था। अब बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को खींच के ले गया। जब इस हाइड्रोजन को खींच के ले जाता है तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन एनायन की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती, होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, कार्बन एनायन, ठीक है। तो CH नेगेटिव, CH लिविंग ग्रुप, यहाँ पे CH3, ये चीज हमारे पास बनती है। देखो हमने इसको क्या बोला, एसिड बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन था, बेस आया हाइड्रोजन को ले गया क्योंकि एसिड था, ठीक है, एसिड था तो बेस आया इसको ले गया। अब यहाँ पे क्या बना है, यहाँ से हाइड्रोजन गया है, हाइड्रोजन जाके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे था तो इसलिए हमने बोला इसको एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन बेस ले गया तो ये क्या बन गया, इस वाले एसिड का क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, समझ में आई, इसलिए ओके ये बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं रेट की। अगर रेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, किस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपके पास जो आपका ये सबस्ट्रेट है इसके ऊपर, ठीक है, जो आपका अल्काइल हलाइड है, जो आपका सबस्ट्रेट है, एक तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा वो डिपेंड करता है इस बेस के ऊपर। जब ये बेस, अगर सपोज करो ये बेस ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन यहाँ से पहले कैसे निकल जाएगा बताओ, ठीक है। अगर ये बेस नहीं होगा तो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए क्या करता है, बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझ में आई। तो ये बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 और 1 2, तो उसका ऑर्डर आएगा 2। अब मॉलिक्यूलरिटी, अब मैंने देखो रेट बता दिया, ऑर्डर भी बता दिया, मॉलिक्यूलरिटी मुझे आप बताएंगे कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में मॉलिक्यूलरिटी ज़रूर बता देना कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। अगर आपको नहीं आता है तो EI जब मैकेनिज्म आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगी, मॉलिक्यूलरिटी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी, ठीक है जी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी मुझे आप बताएंगे, ओके ओके। देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, सपोज ये वाला कोई सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हमारे पास कार्बेनाइन बना, ठीक है, ये चीज़ ही है कि हमारे पास जो कार्बेनाइन बनता है, ठीक है, सपोज इसको उठा के मैंने ऐसे लिख लिया, यही चीज़ है, इसको उठा के मैंने इस तरीके से लिख दिया। सपोज यहाँ पे हमारे पास लगा है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, क्या लगा है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, आपको आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सपोज यहाँ पे लगा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कार्बेनाइन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी देखो जो ये कार्बेनाइन है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको बता दिया अभी, ठीक है। अभी देखो इसकी स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं वाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये नेगेटिव चार्ज कहीं भी, यानी कार्बेनाइन आपका कहीं भी जनरेट हो जाता है और साथ में उसके अगर आपका लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस आया था यहाँ पे, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, जिसके कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो ये कार्बन है, वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इस नेगेटिव चार्ज को, कार्बेनाइन को स्टेबल करने का काम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आ गई हमारी, देखो इसके बेस्ड है, मैं क्वेश्चन भी आपको अभी करवाऊंगी, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास रेट हो चुका है, ऑर्डर हमारे पास हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी मैंने आपको बता दिया है, आप मॉलिक्यूलरिटी कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो
तो ये वाला एग्जाम्पल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ भी आ जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको अभी तक समझा दिए हैं तो सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये एग्जाम्पल आपको देख के कुछ कुछ याद आया होगा। ये किसके एग्जाम्पल है आपके पास, एल्डोल कंडेंसिएशन की, ठीक है, एल्डोल कंडेंसिएशन की आपके पास एग्जाम्पल है। और इसका नेम क्या है, ठीक है, तो इसका नेम होगा आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये है इसका नेम। समझ में आई? अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इवन सीबी मैकेनिज्म देगा भी या नहीं देगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही पहली बात आती है। तो देखो यहाँ ये क्या है हमारे पास, OH नेगेटिव जो ये है, ये हमारे पास है बेस, ठीक है, ये है हमारे पास बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये बेस है, ओके। ये क्या है हमारे पास OH, ये मैंने आपको लिस्ट में भी जो लिस्ट लिखवाई थी बैड लिविंग ग्रुप्स की, ये क्या है हमारे पास लिविंग ग्रुप, जो क्या है हमारे पास बैड, ठीक है, ये चीज़ है। स्ट्रॉन्ग बेस भी है हमारे पास, बैड लिविंग ग्रुप भी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास इवन सीबी मैकेनिज्म लग सकता है, ठीक है। तो ओके ये चीज़ हो गई, यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो गया, ये क्या है हमारे पास अल्फा कार्बन, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप जिस पे लगा होता है अल्फा कार्बन, साथ वाली बिट्टा कार्बन, और ये साथ वाली हमारे पास बिट्टा कार्बन, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले या फिर हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकले, यानी हम दोनों में से कैसे देखेंगे कि हमारे पास जहाँ पे भी हाइड्रोजन निकला तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्रिएट होगा, एक कार्बेनाइन। तो हम क्या देखेंगे उस कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, कि वो कार्बेनाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पर हम क्या बनाएंगे एल्कीन, ठीक है, तेजेस होगी। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्या है, इधर से निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बेस आएगा, ये जो बेस है यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करके जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज, तो CH2 नेगेटिव, CHOH, ठीक है, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड ओ H, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है, पहली तो ये चीज़ बनेगी, पहली कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ से निकले, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा CH3 CHOH CH नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड ओ H, या फिर हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकले, तो हम देखेंगे इसमें, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे हमारे पास कार्बेनाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये क्या है हमारे पास कार्बेनाइन, ये भी हमारे पास कार्बेनाइन, अगर इस कार्बेनाइन की बात करें तो ये कहीं से भी स्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये कहीं से भी स्टेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा नहीं लगा है जो इसको स्टेबल कर सके, ठीक है। लेकिन अगर इस कार्बेनाइन की बात करें, इस कार्बेनाइन की बात करें तो इसके ऊपर ये क्या लगा है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसके कारण ये कार्बेनाइन स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला जो एल्कीन होगा वो क्या होगा, आपका स्टेबल एल्कीन बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट आपका यही वाला बनेगा जो केस अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या होगा हमारे पास, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और यहाँ से इस लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे H। तो हमारे पास ये आंसर है जो ये वाला आएगा। इतनी बात क्लियर है, हो गया क्लियर। अब सेकंड एग्जांपल हम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो तीनों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली जो कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशंस आपको देखनी होती है, इवन सीबी की कंडीशन अप्लाई यहाँ पे है या नहीं है। अगर कंडीशंस हैं तो आप या वो वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बना देंगे जो इवन सीबी में हॉफमैन प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। देखो इवन सीबी में कंडीशन क्या थी हमारे पास, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, बैड लिविंग ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन थी। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें बेस की, तो ये बेस क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। खुद सोचो ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, है ये तो आपको पता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है आपका, गुड लिविंग ग्रुप,
ये क्या है आपका गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इवन सीबी होगा या नहीं होगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे बता देना कि इसमें इवन सीबी होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें कंडीशन क्या थी, इवन सीबी में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमारे पास बैड लिविंग ग्रुप्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसके कारण यहाँ पे इवन सीबी तो नहीं होगा, ठीक है, इवन सीबी यहाँ पे नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ठीक है, तो कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पे होगा E2, ठीक है, E2 होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करने होते हैं, क्लियर है, ओके। यहाँ पे देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है या बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, फ्लोरीन क्या है बैड लिविंग ग्रुप, तो ये बैड लिविंग ग्रुप है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस है यानी यहाँ पे इवन सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन यहाँ से सबसे पहले ये बेस इसको लेके जाएगा, ठीक है, यहीं करवा देती हूँ। जब ये बेस यहाँ से इसको लेके जाएगा तो इस पर क्या आएगा, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा और इस फ्लोरीन को क्या कर देगा बाहर। जब इस फ्लोरीन को बाहर करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ठीक है, NO2, ठीक है, ये यहाँ पे लगेगा CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोडक्ट आपके ये वाला ये बनेगा, क्लियर है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसको रब कर देती हूँ मैं, ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। पहले सबसे पहले कंडीशन आपको देखनी है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा ये जो OPH है ये क्या है आपके पास बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बैड लिविंग ग्रुप है, इवन सीबी का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ से क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना इसको, ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये आपका क्या है बैड लिविंग ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। इस बीटा कार्बन के साथ आपका ये हाइड्रोजन ये तो निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा यहाँ से इस तरीके से, ओके। ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये क्या है विड्रॉ करेगा। जब ये विड्रॉ करेगा तो ये जो प्रोटॉन है ये क्या होगा एसिडिक, ये एसिडिक प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन एसिडिक होने के कारण ये हाइड्रोजन है वो इजिली निकल जाएगा। जब ये यहाँ से निकलेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, बस वही कंडीशन है बनने वाली कि डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस पे, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आपका Cl है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है Cl, उसके बाद CH2 OPH, यहाँ पे C2H5 O-। देखो यहाँ पे जो कार्बन आयन जनरेट हुआ है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, कैसे, इस क्लोरीन के साथ और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ और इस क्लोरीन के साथ, कैसे। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में यहाँ पे भी तो आ सकता है, ठीक है, ये रेजोनेंस में इधर आ सकता है, और ये क्या है क्लोरीन आपका इसमें, ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच सकता है, तो यहाँ पे भी जो कार्बन आयन बनने वाला है ये ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे कार्बन आयन तो स्टेबल हो गया, उसके बाद क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करना है और इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है इवन सीबी मैकेनिज्म, वो मैंने आपको करवा दिया है, और क्वेश्चंस आपको देख लेना आप, ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम किसी एग्जाम में आया हुआ है मुझे नहीं याद है, लेकिन ये आया जरूर हुआ है, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगेगा, इवन सीबी में क्या कॉन्सेप्ट था, इवन में क्या कॉन्सेप्ट है, E2 में क्या कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स याद होंगे आपको तो आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो जो पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें E1 से भी ना लग के आपका E2 लग रहा था, अगर आपके कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, देन आपको क्वेश्चन पे अप्लाई भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ लेना इसको, E1 से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी एलिमिनेशन में करवा रही हूं वो सारी इंपॉर्टेंट है। हमारी लास्ट रह गई है EI,
ठीक है। मैं सोच रही थी कि जो यही है मैं इसी वीडियो में करवा दूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आपका इस वीडियो में तो नहीं हो सकता। ईआई के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआई में मेरे हिसाब से आपके दो लेक्चर वीडियो आएंगे इस पे ईआई पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से बनाऊंगी, वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना पढ़ के रखना जब तक ईआई की वीडियो आएगी, कल या परसों तक आ जाएगी आपकी, कल तो इसकी आएगी तो वो आपकी आ जाएगी, उसके बाद ईआई के वीडियो आएंगी, दो वीडियो इसकी आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।